और कहां देश चला गया। मुझे नहीं पता यहां कौन से धर्म का है, कौन से मजहब का है, कौन कौन सी किसकी कास्ट है। बड़ा अजीब लगता है आजकल, ये छोटी जात का है, इसकी फलानी कास्ट है। अब इलेक्शन आ गई, आप देख लो, मुझे बोलना नहीं चाहिए। एक धर्म के अंदर कितने बंटवारे हैं, क्या क्या कहा जा रहा है। हम आपके आदर्श हैं, हम राजनीतिक लोग हैं। शहीद आजम भगत सिंह भी राजनीतिक थे, वो आज भी आपके आदर्श हैं। अगर हम आदर्श, हमको आप लोग देखते हैं, अगर हम ये बात करेंगे वोट की खातर, मैं तो जाट सिख हूं, मैं तो शेड्यूल कास्ट हूं, मैं बैकवर्ड क्लास हूं, मैं पिछड़ा हुआ हूं, मैं एक जिम्मेदार व्यक्ति हूं, मैं सरकार का नुमाइंदा हूं, मैं सरकार का कल को बहुत बड़ा नुमाइंदा बनूंगा, मुझे क्या हक है कहने का। मैं बड़ी जात का हूं, तो छोटी जात का है, मैं छोटी जात का हूं। मैं समझ नहीं पाया आज तक, आंखों में आंसू आ जाते हैं। दुनिया से हर व्यक्ति ने एक दिन जाना है। मेरे से अगर मेरे से कोई सवाल पूछता है, जब बहुत बड़े चैनलों के अंदर डिबेट होती है, जब कोई आतंकवादियों के लिए, कोई कसाब के लिए, कोई मैमन के लिए, कोई बड़े बड़े आतंकवादियों के लिए, जब अफजल को फांसी को रोकने के लिए कई ऐसे लोग आ जाते हैं, खुल करके उनकी मदद करते हैं। मैं कहा मेरे से मेरा धर्म पूछ, मेरा धर्म क्या है, मेरा धर्म भारत मां, मेरी जात वंदे मातरम, भारत मां में पैदा हुआ। मैं अभी नवरात्रों में एक मंदिर है बंगला मुखी जी का मंदिर ग्वालियर के पास, वहां गया। हर नवरात्रे में जाता हूं, तो पुलिस वालों की कोई ड्यूटी लगी थी, मैंने उनसे सवाल जवाब हो गए। एक पुलिस का अधिकारी कहने लगा, मैं गांव में जा रहा था तो देखा एक माता जी थे, जैसे कुछ घर आए उसने अपने जूते उठाए, अच्छी बड़ी चल रही थी, जूते सिर पे रखे, ये अभी की बात है, सामान लेके अच्छी तरह घूम रही थी तो सामान को ऐसे कर लिया, जैसे 10-15-20 घर निकले उस गांव के, सामान को नीचे रख लिया, जूते नीचे रख लिए। ऐसा क्यों पूछा उसने, कितने बड़े लोगों का घर है, ये बड़े लोगों का घर है, ये जो माता है ये छोटी कास्ट की है, इसलिए ये जूते ऊपर रख के जा रही, वहां जूते पहन के नहीं जा सकते, आंखों में आंसू आते हैं, हमें पता ही नहीं। उससे पहले गया पुलिस वालों से पूछा, यहां कोई क्राइम तो नहीं, कहते क्राइम है, पता लूट फूट होती होगी, कहते नहीं, दो दोस्त अलग अलग कास्ट के हैं, आपस में हंस खेल रहे हैं, चर्चा हो रही है, कास्टिज्म के ऊपर ऐसी चर्चा होती है कि एक की चाकू मारता है एक दूसरे को, वही देरी हो जाते हैं, ये कहते हमारे देश को आजादी मिली है। बताइए भगत सिंह जी ऐसी आजादी चाहते, चंद्रशेखर आजाद जी ऐसी चाहते आजादी चाहते, इत्तफाकुल्ला खान सुभाष चंद्र बोस जी ऐसी आजादी चाहते, कौन इनको ठीक करेगा। हम कहते भारत आजाद हुआ, पर ये नारा कोई देने को तैयार नहीं, मेरा धर्म भारत मां, मेरी जात वंदे मातरम, नारे दिए जाते वंदे मातरम, भारत माता की जय, उसके पीछे भी राजनीति हो जाती है। कोई कहता मैं वंदे मातरम नहीं बोलूंगा, उसके पीछे भी राजनीति हो जाती है, वंदे मातरम नहीं बोलूंगा तो एक एक महीना बड़े बड़े चैनलों के अंदर डिबेट शुरू हो जाए। इसने वंदे मातरम कहा, मैं नहीं बोलूंगा, अरे आपको दिखाने की जरूरत क्या है, आप खुद ही उन लोगों को हाईलाइट करने की कोशिश करते हो जो गलत नारे लगाते हैं, पर जो देश की बात करेंगे उनको कभी दिखाने की आप कोशिश नहीं करेंगे। ये आज का हमारा मीडिया का सारा सिलसिला बन गया, वो मीडिया मीडिया रहा ही नहीं, और मीडिया के अंदर कोई आज मेहनत करने को तैयार नहीं। अगर सही तरीके से कुछ स्टोरी को कवर करके नई जनरेशन को आपको जगाना है, वो वक्त गुजर गया, वो वक्त वक्त ही नहीं रहे। आगे पत्रकार मेहनत करता था, पूरा घूमता था, रिसर्च करता था, इन्वेस्टिगेशन करता था, फिर जाके वो स्टोरी छपती थी, फिर लोग जागते थे।
लोग किसी अखबार वाले को बात करने का हमारा ही दिल नहीं करता, क्या देंगे उनको? जो कहेंगे वो बोल के लिख देंगे। एक पॉलिटिशियन उसको बुरा कहेगा, दूसरा उसको। सुबह पेपर देखो, और रोज आजकल आपके बड़ा सोचने का विषय है, देखने का विषय है, ये भी एक कोर्स है जहां आप शिक्षा देते देश की राजनीति को आपने समझना है। आज के वक्त में इस राजनीतिक दौर के अंदर, चुनाव के दौर के अंदर कौन क्या मुंह से बोलता है उसके एक एक लफ्ज को सुनो, और इसके पीछे मकसद क्या है, इसके पीछे नौटंकीपन क्या है, राष्ट्र के लिए दिल के साथ कौन बात करता है, दिल के साथ। शहीद आजम भगत सिंह हो, राजगीर हो, मंगल पांडे हो, बाकुल्ला खां हो, जहां पर मां गोली लेने पे खाएंगे। बड़े बड़े चैनलों को देखकर आधा घंटा आंखें बंद करके सोचो कि देश खड़ा कहां है। हर लड़ाई जीत लेंगे हम, हिंदुस्तान हार नहीं सकता है। हिंदुस्तान का नौजवान, हिंदुस्तान का आम आदमी सीधा है, भोला है, भावुक हो जाता है। पॉलिटिशियन आएंगे, भावुक करके चले जाएंगे।